नंदेव की कि आठवें गर्भ से आऊंगा और फिर छह बच्चों की हत्या कर दी कंस ने, आठवें गर्भ में भगवान आए, पहले मथुरा से गोकुल आए और गोकुल से फिर मथुरा से नहीं और कंस का नाश कर दिया। इतना सरल है, लेकिन ये कथा केवल कहानी ना बनकर रह जाए। हमारा यहाँ पर आना केवल आके श्रवण करना ना रह जाए, कथा का वास्तविक अर्थ क्या है? कम सुखम स्थापयति। शास्त्र कहता है जो आपके जीवन में, आपके पुर अंतर में एक उत्सव का सृजन कर दे, जो आपके भीतर एक उल्लास का सृजन कर दे, जो आपके अंतर मन में, आपके हृदय में सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, रस स्वरूप उस भगवान को प्रतिष्ठित कर, उसका नाम कथा है। कथा को केवल कहानी बनाकर ना रहना, कथा को अपने जीवन में उतारना है। इस कथा के श्रवण मात्र से जीव का हृदय परिवर्तित होता है, तो इस परम पावन अतिशय मंगलमयी अतीव शुभ वेला में सचित आनंद, आनंद कंद, रस घन, मोहन मूर्ति भक्त जनों के जीवन सर्वस्व अकारण करुणा वरुणालय, सर्वस्व सौंदर्य के निधि श्री कृष्ण के आविर्भाव महा महा उत्सव में हम सब लोग मिलकर प्रवेश करिए। आइए पहले मंगलाचरण करते हैं ताकि हम जो श्रवण करने वाले हैं उसका पूर्ण प्रताप, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा अरे
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की प्रथम स्कंध दसवां स्कंध प्रथम अध्याय जिसके प्रारंभ हमने पिछले वीक में किया था और प्रारंभ के 7 श्लोक हमने पढ़े थे, उसके आगे हम श्लोक नंबर 8 से 20 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। और प्रारंभ के श्लोकों में परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से कहा, आपने बहुत राजा महाराजाओं की कथा सुना दी, बहुत अद्भुत कथाएं थी, परंतु अब मुझे वो कथा नहीं सुननी है। अब तो जो यदुवंश में जिस भगवान का प्राकट्य हुआ, उस भगवान श्री कृष्ण के विषय में मैं श्रवण करना चाहता हूँ। और उस भगवान श्री कृष्ण के कारण ही हमारा होना संभव है, वरना तो महाभारत के युद्ध में हमारा पूरा कुल जो है वो विनाश हो जाता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं ही जीवित हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा की। और वो भगवान जो प्रत्येक जीव को जीवन देने वाले हैं, प्रभूत भावना प्रत्येक जीव के हर एक प्रयास को सफल करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, जीने के लिए प्रत्येक वस्तु को प्रदान करने वाले हैं, उस भगवान की कथा श्रवण करना चाहता हूँ। क्योंकि संसार में यदि जीव का कल्याण संभव है तो केवल भगवान की कथा श्रवण करके ही संभव है। इसके अतिरिक्त और कोई तरीका ही नहीं है जीव को अपने जीवन का कल्याण करने का। एक ही मात्र रास्ता है भगवान के साथ संबंध जोड़ने का, भगवान के साथ मिलने का। इसलिए कहते हैं श्याम तुमसे मिलने का सत्य संग बहाना है। अगर भगवान से मिलने की कोई जगह है, कोई स्थान है, तो वो सत्संग है, वो कथा है जहाँ पर भगवान के विषय में बताया जाता है। तो जब हम भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे मन में ये बात पता होनी चाहिए कि जिसके विषय में हम श्रवण कर रहे हैं वो सत्य है, सत्य सनातन सर्व कारण सर्व अंतर्यामी सर्व आत्मा, इस समग्र ब्रह्मांड का सत्य एकमात्र यदि कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है, जिनके जन्म के उत्सव के लिए, उसको श्रवण करने के लिए और समझने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किसके लिए? भगवान का जन्म तो हो गया, परंतु भगवान की जन्म की लीला का चिंतन करने के लिए। लीला का चिंतन करने से हृदय पवित्र होता है, इसलिए लीला का चिंतन, मैं कथा कहूँ उससे पहले एक बात जो हम सबको याद रखनी है वो ये है कि जो घड़ी, ये जो अवसर आज हमें मिला है, ये कुछ और नहीं, ये सीधा सीधा भगवत प्रसाद है, भगवान की कृपा है
जो आपको और मुझे मिला है। किस लिए मिला है? यहाँ पर हम क्यों एकत्रित हुए? भगवान ने हमें यह अवसर क्यों प्रदान किया है? हरे कृष्ण। भगवान ने हमें यह अवसर इसलिए प्रदान किया है ताकि हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सके। यदि हम आते हैं और सुन के केवल चले जाते हैं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, हृदय में कोई उत्साह नहीं, हृदय में कोई भाव नहीं, भगवान के प्रति यदि कोई प्रेम नहीं, तो फिर क्या सार्थकता है आने की? इसलिए प्रयास करना है हमें अपनी ओर से। जब हम कथा में आते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए, ये जो घड़ी हमें भगवान ने दी है वो किस लिए दी है? जीवन को असत्य से सत्य की ओर उन्मुख करने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए, विषाद से प्रसाद की ओर अग्रसर होने के लिए ये घड़ियां हमें मिली है। इसके अतिरिक्त तो और कोई कारण नहीं है। आकर केवल टाइम पास करना नहीं है, बल्कि इस कथा में अपने हृदय को डिबोना है। हृदय में जो उल्लास खत्म हो गया है, जो प्रेम सुषुप्त अवस्था में चला गया है, जो संबंध बिखर गया कहीं, उस संबंध को जोड़ने के लिए। और एक बात जो मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हम जब भी किसी भी स्थान में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, तो जिस जगह पर, जिस अवसर पर हम जाते हैं, तो उसी अवसर से तैयारी करके जाते हैं, है ना? जैसे यदि आप किसी उत्सव में जाओगे तो उसी हिसाब से श्रृंगार करके जाओगे। हृदय में एक भाव होगा कि मैं किसी विवाह पे जा रही हूँ, किसी पार्टी में जा रही हूँ, तो उसी भाव से जाएंगे। यदि कहीं पर दुख या शोक प्रकट करने के लिए जाएंगे तो उसी भाव से जाएंगे। यदि कहीं पर आभार प्रकट करने के लिए जाएंगे तो हृदय का भाव एक अलग होगा। तो हृदय के भाव के का सही होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हम जब यहाँ पर आए हैं कथा सुनने के लिए, तो हृदय का भाव उचित होना चाहिए। ये तो भगवान ने कह दिया। कई जगहों पर कई संतों से हम श्रवण करते हैं कि जे तू चली है एक पग तो मैं चला हूँ दस पग दास। अगर हम एक पग भगवान की ओर जाते हैं तो भगवान दस कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले भगवान ने ये नहीं कहा मैं दस कदम आगे आऊंगा। पहले अपने आने की बात तो बाद में कही, पहले कहा तुम्हें एक कदम आना होगा। तो जो हमारा एक कदम आगे बढ़ा है, हम जो सत्संग के लिए घर से निकलते हैं, तो वो एक कदम सही दिशा में होना चाहिए, सही भाव से होना चाहिए। कथा में आने का और कोई यदि प्रयोजन था, किसी से मिलना, कुछ प्रसाद सेवन करना, कुछ एंटरटेनमेंट या कुछ भी हो, मनोरंजन हो, अगर मन में कोई ऐसा दूषित विचार भी था तो उसको कहीं दूर फेंक दीजिए। और कथा में जब हम श्रवण करने के लिए बैठते, भले एक बात भी सुने, लेकिन ये एक घड़ी आधी का सो आध, संत जना की गोष्ठी कटे कोट अपना, ये मन में भाव होना चाहिए कि आज मैं श्रवण करूंगा और हृदय से अपराध समाप्त होके हृदय पवित्र हो जाएगा और कृष्ण मेरे और अंतर में, मेरे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो आज आप इस कथा में चलकर आए हैं, तो आपका आना केवल चलकर आना भी हो सकता है, एक प्रयास भी हो सकता है। और उस कृष्ण प्रेम सत्य की ओर ले जाने वाली यात्रा का शुभारंभ भी हो सकता है। जो हमारा भाव होगा, भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम जिस भाव से मेरे पास आओगे मैं उसी भाव से तुम्हारे
स्वागत करूंगा। तो हमें केवल अपने भाव की ओर देखना है। हृदय में भगवान श्रवण के इन श्रवण रंधों के द्वारा स्वयं ही आएंगे। बाकी हृदय को पवित्र करने का कार्य भी भगवान का है। विदनो श्रवताम सुकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विदनोति सुहृतसम। हृदय के अंदर बैठकर हृदय को पवित्र करने का काम भगवान का है, हमारा नहीं है। हमारा काम तो केवल अपने भाव को पवित्र करना है कि मैं एक पवित्र भाव से भगवान के समक्ष जाऊं। यदि भाव शुद्ध है, यदि भाव पवित्र है, तो भगवान हृदय में अवश्य प्रकट होंगे और हमारा आना सार्थक तभी होगा। जब हृदय की अपराध विनष्ट होके हृदय पवित्र होके हृदय के अंदर कृष्ण का प्राकट्य हो। कथा में आने का यही एक कारण है कि हमारा जो प्रेम जो संसार में कहीं बट गया है, बिखर गया है, उसको समेट के पुनः कृष्ण के चरणों पर केंद्रित कर सके। तो कहा परीक्षित महाराज ने कि कौन होगा ऐसा मूर्ख जो कथा को श्रवण करने की इच्छा नहीं करेगा। प्रत्येक जीव चाहे वो विषयी हो, चाहे मुमुक्षु हो या मुक्त आत्मा हो, भगवान की कथा को श्रवण करने का उसके हृदय में एक इच्छा होनी चाहिए। एक जीव मात्र की सिर्फ एक ही प्रकार का व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा नहीं करता, जो कि कसाई है, जिसके हृदय में एक अपने आप के प्रति कोई दया नहीं, अपनी आत्मा के प्रति, अपनी आत्मा को जन्म मरण से बचाने का कोई भाव नहीं है, केवल ऐसा कठोर हृदय व्यक्ति ही भगवान की कथा को श्रवण नहीं करेगा। इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं कथा श्रवण करना चाहता हूँ कृष्ण की। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन आपने बहुत ही सुंदर बात कही है, आप कृष्ण की कथा श्रवण करना चाहते हो। वास्तव में जीवन का लक्ष्य यही है कि कृष्ण की कथा। भगवान इस संसार में आते क्यों है पता है? ये तो भगवान ने केवल हमें धोखा देने के लिए बोल दिया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। ये भगवान को आने की जरूरत है साथ दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवान जिनके केवल भ्रुकुटी मात्र के हिलाने से, जिनके भ्रुकुटी मात्र के भय से सागर सप्त उबलते हैं। केवल भ्रुकुटी हिल जाए ना तो सातों समुद्र उबल जाए। केवल मायाध्यक्षेण प्रकृति, आंख के इशारे से प्रकृति हिलने लगती है। वो भगवान जो केवल श्वास लेते हैं, सिर्फ सांस लेने से, केवल सांस लेने से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का प्रकट्य होता है और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में प्रलय हो जाता है। करोड़ों ब्रह्मांडों में करोड़ों असुर एक सांस के लेने से जब उनका प्रलय हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है, तो विनाशशाल दुष्कृतम एक असुर एक कंस को मारने के लिए यहाँ पर आना होगा? भगवान को किसी असुर को मारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं। इच्छा मात्र से असुर के हृदय में भी बैठे हुए हैं, वहीं से निकल के उसका संहार कर सकते हैं। भगवान असुर को मारने के लिए नहीं आते। और परित्राण साधुनम, साधुओं की रक्षा करने के लिए भी आने की जरूरत नहीं। जब असुर का विनाश हो जाएगा तो साधुओं को एक कष्ट होगा नहीं। साधुओं को रक्षा करने के लिए भी भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के आने का एक ही कारण है, केवल और केवल एक कारण है, जो हम जैसे पतित जीव है ना, उन पर कृपा करने के लिए आते हैं। क्योंकि जानते हैं मैं आऊंगा नहीं, मेरा स्वरूप देखेंगे नहीं, मेरी लीलाओं को सुनेंगे नहीं, मेरे विषय में बोलेंगे नहीं, तो इन पतित आत्माओं का कभी उद्धार नहीं होगा। जब तक जीव भगवान की लीलाओं का कथन नहीं करता, भगवान की लीलाओं का गान नहीं करता, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करता, भगवान ने सोच लिया हृदय में, ठान ली है कि हम सब पे कृपा, हम लोग भगवान की ओर जाने के लिए कितने
अग्रसर हैं, कितना इच्छा रखते हैं भगवान को प्राप्त करने की, वो तो बहुत ही दूर की बात है। ये तो भगवान ने ठान लिया है, ये न खे न प्रकारे हम सबका उद्धार करना है उनको, इसीलिए तो वो आते हैं। सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करते हैं, क्योंकि कहीं जीव केवल मुझे निराकार ही ना समझता रह जाए। यदि निराकार हो जाए, समझ जाएंगे तो प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक जीव भगवान को जानेगा नहीं, बिन जाने होए नहीं प्रीति, भगवान के विषय में जानेगी नहीं कि भगवान के पास भी एक सुंदर हृदय है, वो भी प्रेम करना जानता है, वो वही संबंध हमारे साथ स्थापित करने के लिए व्याकुल है जो हम चाहते हैं, जिस रस में हम उनके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं। चाहे हम उनकी माता बनकर उसको पुत्र की तरह भले बांधने की इच्छा करते हैं, तो वो आज भी भगवान सत्य है। सत्य का क्या मतलब है जानते हो? आद सत, जुगाद सत, हे भी सत, नानी को होसे भी सच। जो आज भी सत्य है, कल भी सत्य है, सत्य रहेगा, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। भगवान की लीलाएं कभी कभी पास्ट नहीं होती है, भूत में नहीं, भगवान की लीलाएं तो नित्य है। आज भी बंधने के लिए तैयार है, कोई यशोदा की तरह बांध कर तो देखे। आज भी वो एक माखन के लोंधे के लिए पीछे पीछे भागने के लिए तैयार है, कोई बना कर तो देखे। कौन कहते हैं भगवान ने आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान ने आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। द्रौपदी ने भगवान को उलाहना दिया कभी, कन्हैया इतना अपमान हो गया था मेरा, तुमसे बर्दाश्त कैसे हुआ, तुमने आने में इतनी देर क्यों करती कृष्ण, इतना ही बोला था और कृष्ण ने द्रौपदी के मुख पर हाथ रख दिया। नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं है, देर मैंने नहीं की थी। याद करो, जब तुम्हें दुशासन तुम्हारे कक्ष से लेने के लिए आया था, तो तुम्हारे मन में किसका चिंतन चल रहा था, किसको याद कर रही थी तुम? द्रौपदी ने सोचा, हाँ उस समय तो कृष्ण की याद नहीं आई थी, उस समय तो मेरे मन में यही हो रहा था, अगर यहां पर भीम होता ना तो दुशासन की दोनों भुजाओं को काट कर फेंक देता। फिर बोला कृष्ण ने, जब तुमको खींचकर भरी सभा में लेकर आया गया, उस समय किस पर तुम्हारी नजर थी? तब द्रौपदी ने कहा, उस समय तो मैं सोच रही थी अर्जुन उठेगा और गांडीव से इसकी हत्या कर डालेगा। तब उसके बाद जब भरी सभा में तुम्हारा इतना अपमान हो रहा था, तब तुम क्या सोच रही थी? द्रौपदी को याद आया कि उस समय मैं सोच रही थी ये पितामह भीष्म बैठे हुए हैं, वो मेरे साथ अन्याय होने नहीं देंगे, विदुर मामा वो मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, युधिष्ठिर तो धर्मराज है, वो अधर्म का साथ कभी नहीं देंगे, वो अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। ये तो हमारी देर केवल हमारी तरफ से होती है, भगवान की ओर से कभी देर नहीं होती। लेकिन जब देखा कि सब ने साथ छोड़ दिया, संग सखा सब तज गए, कौन निभियो साथ, कहो नानक एह विपत में टेक एक रघुनाथ। जब जीव को लगेगा कि कोई साथ नहीं देगा, भाई बंधु पति पिता, जब इस संसार में कोई भी साथ, द्रौपदी के पांच पति थे और पांचों शक्ति से भरपूर थे, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान, ये सब मिलकर भी उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो आज हम किस आधार पर किसी और को देखते हैं कि वो हमें रक्षा करेंगे? नहीं, अकलमती इसी में है, बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान की शरण को ले लें, भगवान को पुकारना शुरू करें, भगवान का नाम लें, हे गोविंद तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जिसकी शरण में ग्रहण करूं, हे कृष्ण तुम्हारी शरण में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम।
कष्ट, ये दुख, ये संकट इस भाव जगत में तभी तक है जब तक हमने कृष्ण को पुकारा नहीं है। जिस समय भगवान को हृदय से पुकार लिया ना, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो, जब तेरा नाम लिया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। एक एक बार हृदय से ये पुकार निकल जाए, फिर दुख तो कहाँ चला जाएगा, याद नहीं आएगा कि दुख किसे कहते हैं। इसलिए जीवन को यदि सार्थक करना है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की कथा तो अनंत है, असीम है, कहां से शुरू करूं? कोई फरमाइश, कोई इच्छा, कोई स्पेशल लीला आप श्रवण करना चाहते हो? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रोहिण्यस्तनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देव क्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। रोहिण्यस्तनया प्रोक्तो, सबसे पहला तो ये बताओ कि छह पुत्रों की मृत्यु के बाद जो पांच पुत्रों सातवां जो पुत्र था जो रोहिणी के गर्भ में, किस तरह से चला गया? ऐसा तो कभी नहीं होता। रोहिण्यस्तनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया, उसका संकर्षण कैसे हुआ? इस संसार में भी हम यदि देखें तो एक माँ के दो पुत्र तो हजारों दफा सुना होगा, लेकिन एक पुत्र की दो माताएं कभी संभव है? यहाँ पर बता, देवक्याम गर्भ संबंध कुतो देहांतर विना। एक जीव की जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक वो जीव दूसरी माता के गर्भ में नहीं जाता। एक ही देह में देह अंतर किए बिना एक ही माता के गर्भ से यदि कोई डॉक्टर आज तक कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं करता कि एक माता के गर्भ से दूसरी माता के गर्भ में उसको स्थानांतरण किया जाए, लेकिन ये कैसे संभव है? आप उसके विषय में बताइए। कृष्ण कथा तो बाद में सुनिए, पहले बलदेव की कथा बताइए कि किस प्रकार से ऐसा हुआ कि एक बालक दो दो माताओं के गर्भ में रहा। और अब उसके बाद यहाँ पर ही स्टॉप मत कीजिएगा, बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला कह रहे हैं। आगे कहते हैं, कस्मान मुकुंदो भगवान पितृगे हाथ प्रजंगता कौम वासं याति भीसार्थम कृतवान सात्वतां पति। कस्मान मुकुंदो भगवान, मुकुंद भगवान पितृगे हाथ विजित, भगवान पितृगृहात यानी वसुदेव के घर में जब वो पैदा हुए थे, जब वो जेल में कारागृह में उत्पन्न हुए थे, तो किस तरह से व्रजेगतम, व्रज में कैसे चले गए, क्यों गए, आवश्यकता क्या थी भगवान को जाने की? तो मानो सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे ही बोल दिया हो, भय लगा होगा ना कंस का कि कहीं इतने सारे पुत्रों को मार दिया, मुझे कुछ कर दिया तो। लेकिन पहले ही कह दिया कस्मान मुकुंदो, मुकुंद का मतलब होता है मुक्ति प्रदान करने वाला। ये कोई साधारण बालक थोड़े था जो कंस के भय से डर जाता, ये तो प्रत्येक जीव को मुक्ति देने वाला था। क्या कारण था उसके जाने का, क्यों गया, और कम वास ज्ञाति भीसार्थम कृतवान सात्वतम पति, ये बताइए कि इतना समय जब वो ब्रज में रहे तो उन्होंने वो किसके साथ रहे, सात्वतम अपने भक्तों के साथ क्या क्या लीलाएं की, और व्रजे वसन किमा करोड़, ब्रज में रहकर उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। मधुपुर से केशवा, और केशव ने मधुपुर यानी मथुरा में क्या क्या लीलाएं की। भ्रातरम चावधीस कंस मातुरुद्धात हरणम, ये तो बताओ कि भगवान तो धर्म का पालन करने वाले हैं और एक संतान, एक पुत्र, एक भतीजा अपने मामा से तो कितना प्रेम करता है,
मामा जो कि माँ, एक माँ होती है उससे भी प्यार किया जाता है, ये तो डबल मामा है। और भ्रातरम चावधीस कंस, ये जो कंस है माधुरदाहरणम, उनका वध क्यों कर दिया भगवान ने? भगवान ने अपने मामा की हत्या क्यों की? ये बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि भगवान ने ना देखो अपने मामा को मार दिया, ये बात में ये याद नहीं रहता कि इस मामा ने कितने भांजों को मारा है। लेकिन ये तो पूछ रहे हैं, और इस ये सब पूछ रहे हैं ना, ये हमारे कल्याण के लिए, भले ही इसकी इसके बहुत सारी बातों को हमने एज अ कहानी सुना होगा, लेकिन अब हम कथा सुन रहे हैं हमारे हृदय को पवित्र करने के लिए, हमारे हृदय में पुनः कृष्ण का जन्म उत्सव करने के लिए, कृष्ण का प्रकटन करने के लिए ये कथा है। और वो कहते हैं देहं मानुषम् आश्रित्य कति वर्षाणि ऋषिभिः यदुपुर्यां सहावासत् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभु देहं मानुषम् आश्रित्य। ये भगवान है और मनुष्य के देह जैसे देह धारण किया। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में 9.11 में अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं अजानन्तो मम भूत महेश्व। अवजानन्ति मां मूढ़ा, वो जो बेवकूफ है वो कहते हैं कि भगवान मनुष्य है, मनुष्य जैसे, ये मनुष्य हो सकता है? ये भगवान मनुष्य जैसा कैसे बन के आ जाता है? और फिर वो मेरा उपहास करते हैं, मानुष्य देह में मैं जब जब जन्म लेके आता हूँ तो मूर्ख मेरे इस जन्म को नहीं समझ सकते। वास्तव में ये मनुष्य रूप में जब भगवान आते ना, तो अगर किसी को उसके ऊपर संदेह होता है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़े बड़े देवता भी संदेह करने लगते हैं। मोहयंति यत् सूरयः, समस्त जीवों के जो प्रपर पितामह है, प्रथम जीव ब्रह्मा जी हैं, वो भी संदेह कर, ये बच्चा, ये कृष्ण, ये भगवान कैसे हो सकता है? इंद्र को संदेह हो गया, तो आजकल के कीड़े मकोड़े यदि भगवान के ऊपर संदेह करते तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि सूर्य को कोई इनकार करता है कि ये सूर्य नहीं है, तो इसमें सूर्य का कोई हानि नहीं होने वाली। जैसे उल्लू, क्योंकि रात में जागते तो उन्होंने कभी सूर्य नहीं देखा, तो बोलते नहीं सूर्य जैसी कोई वस्तु होती नहीं है, तो सूर्य क्या उनके सामने प्रकाशमान होके बोलेगा नहीं नहीं तो मेरी सत्ता को कैसे झुटला सकते हो, मेरा वजूद है, मैं हूँ। सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्लू यदि सूर्य को स्वीकार नहीं करता तो ना करे, उसी तरह बेवकूफ और मूर्ख लोग यदि भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान की शरण में नहीं आते हैं, उससे भगवान की कोई हानि नहीं होती। भगवान ने तो कह दिया ना हम प्रकाश है सर्वस्व, मैं क्यों प्रकाशित हूँ? भगवान की अपनी इच्छा है किसके सामने प्रकट होना चाहते हैं, और भगवान ने कह दिया भक्त्या माम अभिजानन्ति, तुम भक्ति करोगे तो मुझे समझोगे, मेरा भजन करोगे तो मुझे समझोगे। भगवान ने कहा कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, पहली शर्त तुम्हें मेरा भजन करना होगा। वेदों को पढ़ के भगवान को नहीं जाना जा सकता। ना हम वेद न तपस्या ना दाने न चेज, कुछ लोग बोलते हैं हमने इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़े, वेदों का रटन किया, इतने बड़े बड़े अध्ययन किया, इतना सब कंठस्थ है, भगवान निराकार है, कहते रहे। भगवान ने कहा वेदों के पढ़ने से तो मुझे नहीं समझ सकते, रीड करने से, शास्त्र पढ़ने से केवल जानकारी हासिल हो सकती है। वो चीज जो तुम्हें पता नहीं थी रीड कर लिया, जान गए। भगवान कोई जानने की चीज नहीं है, भगवान को जान सके ऐसा त्रिलोक में कोई पैदा हुआ ही नहीं है। भगवान तो जन्माते हैं, भगवान तो स्वयं प्रकट होते हैं, सुफूर्त होते हैं, ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे हम भगवान को समझ सके, भगवान को सरेंडर कर सके। ये शास्त्रों का टॉपिक नहीं है कि हम रीड करके भगवान को समझ सकते हैं, नहीं। भगवान ने कहा मेरा भजन करो तुम्हें स्वयं, अतः श्री कृष्ण
कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्यमेंद्रियम्। ये इंद्रियां जो है वो भगवान को पकड़ने में असमर्थ है, ना हम नेत्रों से भगवान के दर्शन कर सकते हैं और ना ही हम अपनी इस बुद्धि से भगवान को समझ सकते हैं। सेवा मुख ही जिह्वा दो स्वयमेव सुफूर्तयदम्। सेवा करो, जिह्वा से प्रारंभ करो, भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो कहते हैं देहम मानुषम आश्रित्य, देहम मानुष्य देह में भगवान जब आए, कति वर्षों वृषभि, कितने साल तक उन्होंने लीला की। और सबसे ज्यादा जो टेंशन में देने वाली बात है सब लोगों को, वो बताइए यदुपुर्याम सहवासत पत्नी हाँ कत्य भवन प्रभु। ये यदुपुर में या द्वारिका में जब भगवान आए थे तो कितनी बहुत पत्नियों के साथ विवाह किया था, कितनी सारी पत्नियां थी और उनके साथ कैसे रहते थे, एक पत्नी संभाली नहीं जाती। वो बेचारे बोलते हैं एक पत्नी है और फिर भी वो हंस रहा है, ऐसे लगता है कि ये शादी जुदा होकर भी खुश कैसे हो सकता है। और यहाँ पर एक नहीं दो नहीं हजार नहीं 16,108 पत्नियों के साथ रहकर आनंद स्वरूप कैसे रह सकते हैं। तो उसके विषय में बताइए। उसके बाद कहते हैं एतदन्यच सर्वं मे मौने कृष्ण वचिष्ठतम वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धदानाय विस्तरम। एतदन्यच सर्वं मे, ये सब तो मैंने आपसे पूछ लिया ना, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपसे पूछी नहीं है। एतद अन्यच सर्वम मे मौने कृष्ण विचेष्टता, उसने क्या क्या किया, एक एक लीला, उसका एक एक शब्द आस्वादनीय है, आनंद प्रदान करने वाला है। तो मैं हो सकता है पूछने में कुछ रह गया हो, लेकिन आप बताने में कमी मत रखिएगा। विस्तरत, मुझे क्योंकि श्रद्धा है, वक्तुम अरस्य सर्वज्ञ, आप तो सर्वज्ञ है ना, आप तो सब कुछ जानते हैं भगवान के विषय में, आप तो मोनी सत्तम है। तो श्रद्धा धाना या विस्तृत, उसको विस्तार से बताओ, कोई लीला कोई ऐसा प्रसंग छूटना नहीं चाहिए। और आज जो परीक्षित महाराज पूछ रहे ना भगवान के विषय में, 3 दिन की कथा हो चुकी है, 3 दिन और 3 रातें गुजर चुकी है, ना परीक्षित महाराज ने कुछ गाया है, ना कुछ पिया है और ना ही कोई विश्राम किया है। चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, आज चौथा दिन है और वो कृष्ण के विषय में पूछ रहे हैं। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा अच्छा बाबा, अच्छा जो पूछा है वो भी बताऊंगा, जो नहीं पूछा है वो भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ खा लो ना, आप थक गए होगे, इतने समय से कुछ खाया पिया नहीं है, तो आप थोड़ा कुछ खा लो, आपको लग रहा होगा भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। तब परीक्षित महाराज ने ना कहा नहीं नहीं मुझे ना तो भूख लगी है ना प्यास लगी। सुखदेव गोस्वामी बोलते ऐसे कैसे हो सकता है, आधे दिन की प्यास को आप बर्दाश्त नहीं कर सके, आधे दिन की प्यास, आधा दिन हुआ था अभी तक, प्यास लगी, समेक मुनि ने उन्हें पानी नहीं पूछा तो मृतिक सर्प उनके गले में डाल दिया, 7 दिन में मरने का श्राप लेकर आ गए और आज 4 दिन हो गए आपको भूख नहीं लगी, कैसे? वो वही परीक्षित हो ना, कैसे आपकी तृष्णा समाप्त हो गई, कैसे आपकी भूख प्यास मिट गई, कैसे आनंद, क्या मिल रहा है आपको, क्या ऐसा आपने पा लिया जो आपका स्वभाव बदल गया। तब वे कहते हैं अब मुझे भूख और प्यास बिल्कुल भी विचलित नहीं करनी, त्यक्तो नाम अभी बाधे, जरा भी बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है मुझे श्रवण करने में, ना मुझे भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, क्या मिल रहा है, पिबंतम त्वन मुखम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम। ये जो च्युतम कंटिन्यूस आपके पवित्र मुख से झरझर झरने की तरह जो कथामृत निकल रहा है ना,
उस कथा अमृत का पान कर रहा हूँ। तो बताओ, जिसको अमृत प्राप्त हो जाए, क्या उसे पानी पीने की इच्छा हो सकती है? नहीं, मुझे कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है। हृदय में केवल एक ही तृष्णा बाकी रह गई है, एक ही इच्छा है कि मैं भगवान के विषय में श्रवण करना चाहता हूँ। और आपसे कृपा एक ही निवेदन है कि मुझे भगवान के विषय में बताइए। तब शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, सूत गोस्वामी बताते हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद व्यास की स भगवान अथ विष्णुनाथ प्रत्युच कृष्ण चरितं करि कल्मषम् व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। एवं निशम भृगुनंदन साधुवाद। भृगुनंदन, इस प्रकार जब उन्होंने जिज्ञासा की तो भृगुनंदन ने उनका साधुवाद किया। व्यास की सर भगवान विष्णुनाथ। विष्णुनाथ किसका नाम है जानते हो? परीक्षित नारद का वास्तविक नाम विष्णुनाथ है, क्योंकि विष्णु ने, भगवान ने डायरेक्ट उनकी रक्षा की तो उनका विष्णुनाथ नाम पड़ा था। ये तो जब वो जन्म लेकर बाहर आए थे, भगवान परीक्षित नारद जब गर्भ से बाहर आए थे तब कंटिन्यूस परीक्षा कर रहे थे, हर किसी को देखते थे इतना गौर से, ये कहीं वही तो नहीं है जिसका दर्शन मैंने गर्भ में किया था। दूर दूर तक खोज रहे होते थे उनकी निगाह। जैसे कभी कभी कैसे हम लोग आते हैं मंदिर में तो हम हमारे मित्र को देख रहे होते हैं, या किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो हम खोज रहे होते हैं कि हमारी कंपनी के लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं, देख रहे होते हैं ना, ढूंढ रहे होते हैं। तो उसी तरह परीक्षित महाराज जब उत्पन्न हुए थे ना तो हर वक्त उनकी नजरें परीक्षण में होती थी कि वो कौन है जिसको मैंने गर्भ में देखा था, वो सुंदर स्वरूप जिसका गर्भ में दर्शन किया था ना, कंटिन्यूस उनको देखने की परीक्षा होती थी, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ था। वैसे उनका नाम था विष्णुनाथ। तो वे कहते हैं कि उन्होंने जब पूछा भगवान के चरित्र के विधि में, प्रत्युच कृष्ण चरितम कलि कल्म शग्नम, कलयुग के कष्टों को समाप्त करने वाला है ये कृष्ण चरित्र। ये जो कृष्ण के विषय में श्रवण करने वाले हैं तो क्योंकि कलयुग के समस्त जीवों का कल्याण करने वाला है इसलिए साधुवाद है, इसलिए अभिनंदन है उस व्यक्ति का जो भगवान के विषय में श्रवण करने की जिज्ञासा करता है। क्योंकि जब भगवान के विषय में श्रवण किया जाता है तभी जीवों का कल्याण होता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज को बोलते हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठी कीरति। सम्यक व्यवसिता बुद्धि, आज आपकी बुद्धि एकदम परफेक्ट जगह पर है। क्योंकि बुद्धि तभी सम्यक होती है जब वो कृष्ण के विषय में जानने की जिज्ञासा करे। जीव जब से पैदा होता है ना, छोटा बच्चा जब बोलना शुरू करता है ना, पता क्या होता है, हमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या होता है, कोई भी बात उसके कान में आएगी ना फौरन पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, हर वक्त क्या है, क्या है जिज्ञासा। छोटा किसी से आप मिलते हो ना, सबसे पहले पूछोगे कैसे हो, कहाँ से आओ, सब कैसे, मतलब क्वेश्चन से ये दुनिया भरी हुई है। जहां पर भी आप देखो ना, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, लेकिन वास्तव में वो क्वेश्चन सार्थक है जो कृष्ण के विषय में, बाकी सब तो कचरा है। ना सुनने वाले का कल्याण होगा, ना बोलने वाले का कल्याण होगा। यदि जीव को कल्याण करवाना है अपना भी और अपनों का भी, तो केवल कृष्ण के विषय में सुनो, कृष्ण के विषय में बोलो, कृष्ण के विषय में पूछो। तो वे कहते हैं, जिसकी बुद्धि कृष्ण कथा को श्रवण करने की इच्छा करती है ना, तो समझो उसकी बुद्धि जो है वो परफेक्ट है। वरना तो मेरे पूछो, कोई बोला मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो भगवान के विषय में पूछना है या संसार के विषय में पूछना है? क्योंकि अगर भगवान के विषय में पूछना है फिर तो ठीक है, वरना संसार के विषय में जानकर क्या करोगे, है ना, दुख ही होगा तुम्हें सुनकर और मुझे बताकर। तो ऐसा बेटर है ना, भगवान के विषय में बोलो तो बोलो, वरना चुप रहो ज्यादा बेहतर। तो ये कहते हैं, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि राजर्षि सत्तमा। आज परीक्षित महाराज को राजर्षि सत्तमा कहकर बुला रहे सुखदेव गोस्वामी, जबकि पहले मुनि सत्तमा कहा था परीक्षित महाराज ने। तो जब ये दो सत्तम जो उच्च कोटि के दो व्यक्ति
एक साइड पे मुनि सत्तम है, एक साइड पे राजर्षि सत्तम है। जो दो व्यक्तियों का जो बिल्कुल पराकाष्ठा है उनको जब समागम होता है तब भगवान की कथा होती है। और वासुदेव कथायाम यह जाता नैष्ठी की मृति, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए गारंटी दी जा रही है। नैष्ठी की मृति आपका भाव हो कि मुझे कथा सुननी है, उस भाव को लेकर भगवान उस भाव को स्वीकार करके अपनी अपने में आपकी रति को अपने प्रेम को बढ़ा देते हैं और इसी से कल्याण होगा। प्रेम के बगैर जीव का रहना संभव नहीं है और प्रेम तभी सार्थक होता है जब वो भगवान के चरणों में स्थापित हो जाए। और ये केवल कथा ही कर सकती है, ये कथा का दायित्व है, ये कथा की जिम्मेदारी है कि आपकी भगवान के प्रति प्रेम आसक्ति रति नैष्ठी की बना दे। बस हमारा काम केवल आकर ये इच्छा रखनी है मुझे श्रवण करना है, मैं भगवान के विषय में श्रवण करना चाहता हूँ। आपके इस भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। वैसे तो भागवतम केवल शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए, जो शुद्ध वैष्णव है ना उनके द्वारा ही भागवत हम श्रवण करना चाहिए, तो आप लोग सही जगह पर नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी यदि भाव सच्चा होता है ना, हमें ये देखना चाहिए कि हम किस लेवल पर भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम जितने शुद्ध होंगे हमको वक्ता भी उतना ही शुद्ध मिलेगा। तो इसीलिए जब जहां से संभव हो, यदि वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है, यदि उसकी इच्छा ये है कि आपके हृदय में उसका संकल्प होना चाहिए वक्ता का कि जीव के हृदय में कृष्ण प्रेम को स्थापित करके ही रहना है। यदि वक्ता ये सोचकर आएगा कि कथा के बाद मुझे क्या मिलेगा, कितना सम्मान मिलेगा, कितना मान मिलेगा, कितने लोग वाहवा करेंगे, ऐसे व्यक्ति से सुनकर ना तो हमारा कल्याण होगा और ना हृदय में जो वास्तविकता है, जो श्रवण करने की वास्तविक लाभ है वो प्राप्त होगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम श्री प्रभुपाद जी के इन शब्दों को एज इट इज पढ़ रहे हैं। जीवन में कभी सौभाग्य उत्पन्न होगा, शुद्ध वैष्णव का संग भी मिलेगा, इच्छा तो करें, पहले अपने आप को इस योग्य तो बनाए। तो आगे कहते हैं वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषस्तिं पुनातिहि वक्तारं प्रच्छकं श्रोतः तत्पादसलिलं यथा। वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने से पुरुषस्तिं पुनातिहि, तीन प्रकार के पुरुषों का कल्याण होता है, तीन प्रकार के जीवों का कल्याण होता है भगवान की कथा को श्रवण करने से। जब भगवान की कथा हो रही है ना, तो एक तो जो बोल रहा है उसका कल्याण हो रहा है और दूसरा जो सुन रहा है उसका भी कल्याण हो रहा है। ये दो तो समझ में आ रहे हैं, ये तीसरा कौन है जिसका कल्याण होगा? कोई बता सकता है तीसरा कौन हो सकता है? जो बोल रहा है उसका कल्याण होगा और जो सुन रहा है उसका कल्याण होगा, वो तो सही है। लेकिन वो जिसे बोलने का अवसर नहीं मिला, वो जिसे सुनने का भी किसी, ये जो हम यहाँ पर बैठे हुए ना, निश्चित रूप से पिछले जन्मों के बहुत सारे पुण्य एकत्रित होकर कृष्ण कथा के स्वरूप में हमें मिले हैं। ये कृष्ण कथा किसी ऐसे व्यक्ति को मिल ही नहीं सकती जिसके पास पुण्यों की पूंजी ना हो। ये तो हमको सरलता से मिल रही है, घर में जो चीज मिल जाती है ना उसकी कदर नहीं होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मिल रहा है ना, वो बहुत बहुत उसके लिए प्रयास कर चुके हैं पिछले जन्मों में, लेकिन वो जिसको अवसर नहीं मिल रहा है ना बोलने का ना श्रवण करने का, केवल अनुमोदन कर दिया कि मुझे तो भगवान ने अवसर नहीं दिया, लेकिन ये भागवत कथा जो हो रही है ना, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो घर पे बैठे हुए भी जिसको आने का अवसर नहीं मिला, किसी तरह से जो उसके पुण्यों की पूंजी इतनी कम पड़ गई कि उसको कथा के परिसर में आने का अवसर ना मिला, लेकिन घर पे बैठकर भी यदि उसने ये अनुमोदन कर दिया केवल कि अच्छा है, बहुत भगवान की कथा हो रही है, ये भागनारी मंदिर में बहुत अच्छा काम करते हैं, थर्सडे थर्सडे को कथा करते हैं, केवल इतना भी किसी ने बोल दिया ना,
उसका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल के जीव इतने अभागे हैं कि वो अनुमोदन भी नहीं करते, पीछे बातें करते। ये कोई समय है कथा करने का? ये आधी रात को सोना है या आधी रात को ये लोग बैठे आते भगवान की कथा सुनने के लिए? इस समय भगवान की कथा होती है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो अगर हमें कभी जीवन में अवसर ना भी मिले श्रवण करने का, तो भी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए उनकी जो कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा में आते हैं। तो बोले कुछ भी हो, लेकिन हमें अनुमोदन तो कम से कम करना चाहिए कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कहा, यहाँ कह रहे हैं वक्तारा प्रचकम शोधम, सुनने वाला, बोलने वाला और अनुमोदन करने वाला उसी तरह से पावन होते हैं। तत्पाद सलिलम रथा, जिस प्रकार से पाद सलिलम, चरणों के जल, भगवान के चरणों का जल यानी गंगा नदी, वो भी तीन प्रकार के जीवों को पावन करती है, तीनों लोगों को पावन करती है। कौन कौन से? ऊपर के लोग, मध्य के लोग और सेंटर के लोग, अधा लोग, ऊपर लोग और सेंटर के लोग। तीनों लोगों को जिस प्रकार से गंगा नदी पावन करती है, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी तीन प्रकार के जीवों को पालन करती है। तो यहाँ से वो कथा प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन समय साथ नहीं दे रहा है, इसलिए क्या ख्याल है, एक आज श्लोक पढ़ा जाए? वैसे आज मुझे भी कहीं जाना है, लेट हो रहा है। तो प्रारंभ करते हुए वो कहते हैं, भूमि दृप्त नृप व्याज दैत्यानीकशतायुत आक्रांता भूरि बारेण ब्रह्माणं शरणं ययो। भूमिर्दृप नृप व्याज, यानी कि ऐसे राजा आ गए थे, द्वापुर के अंत युगंत में कुछ ऐसे राजा आ गए थे जो दैत्यानीकशतायुत, दैत्यों की तरह आचरण करते थे, असुरों की तरह आचरण करते थे। वास्तव में वो राक्षस नहीं थे, मनुष्य थे, लेकिन असुरी वृत्ति हो गई थी क्योंकि संग गलत हो गया था ना उनका। वास्तव में भक्तों एक बार फिर सुन लीजिए, यदि आपको असुरी वृत्ति से बचना है तो अपने संग को देखिए कि कहीं किसी व्यक्ति को यदि पहचानना हो ना तो उसका फेस देखकर मत पहचानो कि वो कैसा है, उसका संग देखकर समझ जाओ कि वो वैसा ही होगा जैसा उसका संग है। तो यदि आपको अपना चरित्र सुधारना है तो महाप्रभु से किसी ने कहा वैष्णव का आचरण बताओ, महाप्रभु ने कहा असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचरण। वैष्णव बनना है सबसे पहले अपना संग देखो, अपना सर्कल देखो, कहीं पर कोई अवैष्णव तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो चार नियम का पालन नहीं करता, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करता है, जो गलत कार्य करता है, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण अभक्त आर, वो जलाते हुए कहते हैं, जो स्त्रियों के विषय में बात करते हैं, जो स्त्री संग की इच्छा करते हैं, या फिर जो कृष्ण की भक्ति नहीं है उनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसे जीवों का संग करेंगे तो आप कभी भी अपने आप को वैष्णव नहीं बना सकते, और जब तक जीव वैष्णव नहीं बनेगा तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वो कहा कि लाखों लाखों की संख्या में लोग असुरी वृत्ति को प्राप्त हो गए थे, यहाँ भूमि पर हर जगह पाप ही पाप हो रहा था, जीवों का भजन बंद करवा दिया था, भक्तों की भक्ति बंद हो गई थी, जो भजन करते थे उनको भोजन देना बंद कर दिया था, ये तक कह दिया था। जो बड़े बड़े राजा थे, जो भगवान का नाम लेते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनका खाना पीना बंद कर दो, जो भक्तों की भक्ति बंद हो गई थी, ऋषि मुनियों का यज्ञ बंद हो गया था, जो साधु की साधना बंद हो गई थी, केवल केवल अपवित्र कार्य हो रहे थे, तो हर जगह पाप ही पाप बढ़ गए थे, जिसके कारण आक्रांत भूरि भारेणा, आक्रांत का मतलब होता है कि वो तड़प उठे। यहाँ पर दुख नहीं लिखा, यहाँ पर शोक नहीं लिखा, यहाँ पर कष्ट नहीं लिखा, भूरि भारेणा, पृथ्वी को इतना कष्ट हो रहा था कि वो तड़प उठी, क्यों?
क्योंकि ये पृथ्वी जो है ना ये हमारी माता है, सात माताएं लिखी है शास्त्र में, इसमें एक गौ माता है, एक पृथ्वी माता है, एक हमारी माता है, गुरु पत्नी है, राजा की पत्नी है, तो ये सब माताएं हैं, लेकिन उनमें से सब में से एक माता ऐसी है जो जीवन भर आपका बोझ उठाती है। जो हमारी सगी माता होगी ना वो भी थोड़ी देर उठा के बोलेगी हाँ तो माँ थकी पई है थोड़ी देर, तुम भी जली ना तुम जो भी तो उठ रहा है ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं इतनी देर नहीं उठाऊंगी, हाँ आपको भी उठाना पड़ेगा। तो ऐसा है अपनी माता भी उसको कंटिन्यूस नहीं उठाती है, लेकिन पृथ्वी जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका बोझ उठाती है और कभी भी ये शिकायत नहीं करती कि भाई मैं थक गई हूँ अभी जाओ कहीं दूसरी जगह पे खड़े हो, कितना तो तुम्हारा वजन बढ़ता जा रहा है ना। अपनी माता बोलती है कि हाँ भाई हाँ तेल नहीं गड़ो थी पियो नतिकड़ी सगा, लेकिन पृथ्वी ने कभी बोला इतने मोटे हो गए हो कम खाया करो मैं वजन नहीं बर्दाश्त कर सकती, पृथ्वी ने ये कभी नहीं बोलती। वो बड़े बड़े पहाड़ों का वजन बर्दाश्त करती है, बड़े बड़े वृक्षों का, नदियों का, हर चीज का, बड़े बड़े गजराज पृथ्वी के ऊपर चलते हैं, कभी नहीं दुखी होती है। यदि पृथ्वी दुखी होती है तो केवल पाप से। जब जीव पाप करता है ना, जब जीव अत्याचार करता है ना, जब भक्तों के ऊपर संकट आता है ना, जब भक्तों के ऊपर कष्ट आता है ना, तो आक्रांत दुखी हो जाती है, कष्ट में कराने लगती है, अपने उस दुख को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं आक्रांत पूरी भारीन, वो सोचती कहाँ जाऊं मैं अपना दुखड़ा लेकर। हम भी सोचते ना कोई एक बड़ा व्यक्ति हो, कोई एक महान व्यक्ति हो जिसके पास हम जाए, जब दुखी होते ना तब सिलेक्शन होनी चाहिए कि दुख दूर दुख को बताने के लिए किसके पास जाए, जो सबसे महान आपकी नजर में है उसके पास ही जाते हैं हम दुख लेकर। तो इस संसार में यदि इस संसार की सृष्टि में देखा जाए तो सबसे बड़े सबसे महान जीव कौन है, ब्रह्मा जी। तो ये कहते हैं ब्रह्मणम शरणम ययो, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी ही दिखे, पृथ्वी पर रहती है ना वो पृथ्वी है। अभी ब्रह्मा जी के विषय में मैं बताऊं आपको, ब्रह्मा जी के भी दो स्वरूप हैं, एक स्वरूप से वो ब्रह्मलोक में रहते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की भजन स्थली है, वो ब्रह्मा जी का घर है, और वहां पर जो ब्रह्मा जी रहते हैं उनका नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्य कहते हैं सोने को। ब्रह्मा जी जिस कमल के ऊपर बैठे हुए हैं उसका जो सेंटर है वो गोल्ड का है, पूरा चमकता है सोने का, इसलिए वहां से क्योंकि उनका उत्पन्न वो वहां से हुए इसलिए वहां पर उनका नाम है हिरण्यगर्भ। और पृथ्वी पर सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का एक ऑफिस है, क्योंकि पृथ्वी के कार्य उनको देखने होते हैं ना, सृजन तो पृथ्वी पर करना है, और पृथ्वी पर कहाँ कहाँ किसको किस समय किस तरह के किस घर में जन्म देना वो सब तो उनको देखना। तो पृथ्वी पर सुमेरु पर्वत पर उनकी एक ना ऑफिस है, वहां पर ब्रह्मा जी का नाम है वैराज्य ब्रह्म। तो पृथ्वी उस सुमेरु पर्वत वाले ब्रह्मा जी के पास जहाँ ऑफिस में वो बैठे हुए थे वहां पर गई, और कैसे गई उनका स्वरूप बता रहे हैं, अत्यंत ही सुंदर है। इधर स्टॉप कर दो। गौ भूत्वा अश्रोन्मुखी खिन्ना क्रंदति कर्णं विभु उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं समवोचत। वो किस स्वरूप में गई है उसके विषय में बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। गौ भूत्वा